बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, महतरमा महतशम, काबिल एहतराम, ज़ेवकार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये चार बाटल जो हैं वो पड़ी हैं, बल्कि हमने तैयार की हैं इनको, इससे पहले और भी पड़ी हैं, ये देखें हमारे पास, लेकिन ये लंबाई में कटी हुई है। तो आज हम इसमें जो है ना वो ग्रो करना चाहते हैं मिंट, यानी कि पुदीना। और पुदीने की रूट्स जो है ना वो हम ये देखें, बल्कि कटिंग है, ये देखें कटिंग, इसमें रूट्स भी हैं, ये देखें रूट्स भी हैं। तो आज हम इसको ग्रो करने का जो आपको तरीका है वो दिखा रहे हैं, और इसको किस तरह ग्रो करेंगे। तो हम इसको ग्रो करने के लिए, ये हमारे पास बाटल है, तो इसका हम तरीकाकार ये अपनाते हैं कि यहाँ पे इसको लकीरें लगा देते हैं इस तरह। तो इसके अंदर जैसे हम गन्ने की बिजाई करते हैं, इसी तरह इसकी हम बिजाई करेंगे ऐसे, ये तरीकाकार हम अपनाएंगे। तो फिर हम इसका जो है ना वो आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये हमारी एक हो गई है। इसको हम पूरा करने के लिए हम यहाँ पे एक और रख देते हैं, ये पूरी लाइन हमारी ये देखिए बन गई है जी ये। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि दूसरी लाइन लगाते हैं यहाँ पे, नज़दीक और दूर जितना भी रख लें कोई मसला नहीं, इसको हमने भरना ही है। और पुदीना तो आपको पता है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है, तो ये एक हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं ऐसे। तो अगला जो है हम इसको ऐसे रख देते हैं, ये देखें। और आपको पता ही होगा कमाद यानी कि शुगर हम इसी तरह ग्रो करते हैं देहातों में भी, तो उसकी भी ऐसी लकीरें लगाई जाती हैं। तो वो भी इसकी जो खालियां हैं वो नालियां, यानी कि नालियां बनाई जाती हैं, खालियां भी कहते हैं नालियां भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो अपने अपने उसकी इलाके की ज़ुबानें होती हैं। तो ये देखें जी, इसको हम अब कर लेते हैं इस तरह, ये देखें यहाँ पे और रख देते हैं ताकि ये हमारी रॉ मुकम्मल हो जाए। इसके ऊपर हम हल्का हल्का इस तरह मिट्टी का ऊपर वो चढ़ा देते हैं, और इस पे थोड़ी सी मिट्टी ला के हम और भी डाल देंगे ताकि इसकी जो नूड हैं वो नज़र ना आए। और अगली जो हमारी, अब अगली इसकी बारी आ गई, अब हम इसी तरह इसको करेंगे, ये देखें जी इस तरह, ये हमने रख दिया। अब मैं लगा के आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने धनिया जो है इस, सॉरी पुदीना हमने इसमें लगा दिया। तो पुदीने की ये हमने इस तरह डाल दिया। तो इसको हम अब थोड़ा सा मिट्टी से कवर करते हैं, चलें मिट्टी लेके आते हैं। तो ये लें जी, हमने ये सारी मिट्टी को डाल दिया और बराबर भी कर देते हैं। ये देखें जी, ये सारा हमने इसमें डाल दिया और इसको कवर करते हैं इस तरह, ताकि हमारे जो इसके पुदीने के नोड नज़र ना आए और थोड़े से मिट्टी के अंदर चले जाएं। ये सारी कवर कर दी, ये रह गई, हम इसको भी कर देते हैं। ये लो जी, हमने ये चार जो है लगा दिए बाटलें। तो इंशाल्लाह ये जो है सिर्फ 10 दिन के अंदर अच्छा खासा ये भर जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपका और हमारा मोहब्बतों भरा सफ़र जारी सारी रहे, और इसी तरह हम आपसे मिलते रहें और वीडियो बनाते रहें। आपको मकसद ये था बताने का कि आप इस तरह भी जो मिंट है वो लगा सकते हैं, क्योंकि नूड से ही उसने बाहर आना है। ज़रूरी नहीं है कि खड़ा करके पुदीने की कटिंग लगाई जाए, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। फ़ी मानुल्ला, अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। नाज़रीन कराम, ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, और ये हमारा जो है पुदीना तैयार हो चुका है,
जो हमने बाटल में लगाया था और बाटल में जो पुदीना लगा था वो बेहतरीन। ये आपके सामने है जो रिज़ल्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेहतरीन ग्रो किया इसने और जिस मेथड के तहत मैंने ये लगाया था उसी मेथड के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर गया और ज़बरदस्त ग्रो किया इसने, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस तरह भी अपना पुदीना ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा है इस तरह आप पुदीना लगाएंगे तो आपका इस तरह भी मोटी शाखें जो आप लगाते हैं वो भी लग सकती हैं, क्योंकि वो नीचे से फिर अपनी कॉम्प्लेन निकालना शुरू कर देती हैं और वो जगह जगह से निकालती हैं, जहाँ पर नूड होगा वहीं से ये कॉम्प्लेन जो है स्टार्ट कर देगा और बेहतरीन आपका पुदीना बाटल के अंदर तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आप इस आप पुदीना अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं, और आप बाज़ार से 10 रुपए की एक वो मिलती है गट्ठी, उसको लेके ऊपर से आप इस्तेमाल कर लें और उसके सारे पत्ते रिमूव कर लें, पत्ते अपने इस्तेमाल में ले आएँ और बाकी जो आपकी वो डंडियाँ बचती हैं या स्टेम बचती है उसको आप लगा के इस तरह अपने पौधे ग्रो कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बेहतरीन तरीका आपको जो मैंने बताया, आप इस तरह भी अपने पुदीने के जो पौधे हैं वो तैयार करके और अपना पुदीना उगा कर खा सकते हैं, और पूरी सर्दियों आपके साथ ये इंशाल्लाह चलेगा जैसे जैसे आप इसकी केयर करेंगे, और बेहतरीन आपका पुदीना जो है वो ग्रो होता चला जाएगा। जितना आप इसका मॉइस्चर में रखेंगे, जितना आप इसको पानी ज़्यादा देंगे, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा चलता है। तो पानी देने की वजह से ये पुदीना जो है ज़्यादा नमी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही पुदीना का रिज़ल्ट आपका अच्छा मिलेगा और उसका पत्ता भी बड़ा होगा। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।